एवरी वन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ का चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था उसको लेटर मिला अब उस लेटर में क्या लिखा था वो हम देखेंगे तो शुरू करते हैं अगर आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ जाके देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट द स्टोरी डियरेस्ट कोनी आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन डेट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस तो जिम मैकफर्सन जो थे वो आर्मी के कैप्टन थे वो अपनी वाइफ को उन्होंने लेटर लिखा तो लेटर में लिखते हैंनी कौनी उनकी वाइफ का नाम था और कहते हैं कि मैं इस लेटर को लिखते समय बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं तुम्हें तुरंत ही बताना चाहता हूँ We were all standing to in our trenches yesterday morning. हम सभी अपने फ्रेंच में कल की सुबह खड़े हुए थे क्रिसमस मॉर्निंग वो क्रिसमस की सुबह थी फ्रेंच मीन्स क्या होता है फ्रेंचिस का मतलब होता है जब वार होता है ना जब युद्ध होता है तब वो लोग अपनी छुपने की एक जगह बनाते हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर लेते हैं उसको हम ट्रेंचिज बोलते हैं इट वॉज़ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज है Ever सीन एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज a क्रिसमस मॉर्निंग शुड be. फिर जिम बोलते हैं वो बहुत ही कड़ाकेदार उस दिन सर्दी थी और शांति का माहौल था इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी इतनी सुंदर मॉर्निंग थी कि इससे पहले मैंने ऐसी सुबह कभी देखी नहीं थी बहुत कोहरा छाया हुआ था और बहुत सर्दी थी और जैसे कि ये क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डेट बी बिगेन इट बट द ट्रुथ आई एम अ सेम टू से इज डेट फ्रिज बिगेन इट मैं तुमसे कहना चाहता था कि ये सब मैंने शुरुआत की लेकिन असलियत तो ये है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है ये बताने में कि ये फ्रिज ने शुरू किया फर्स्ट सम फ्रिज कौन है फ्रिज हम जर्मन के सोल्जर्स को बोलते हैं जो जर्मन की आर्मी होती है उनको हम फ्रिज बोलते हैं ठीक है फर्स्ट समाइट फ्लैग बेबिम फ्राम द फ्रेंच अपोजिट तो पहले किसी ने देखा कि जो उनकी दुश्मन की ट्रेंच थी अपोजिट साइड की जो ट्रेंचेस थी मतलब जहाँ दुश्मन थे वहाँ से कोई सफ़ेद रंग का फ्लैग लहरा रहा है देन देवर कॉलिंग आउट टूअर्स फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड फिर वहाँ से आवाज़ आने लगी वो हम लोगों को नो मैंस लैंड में बुलाने लगे नो मैंस लैंड क्या है जो दुश्मन की ट्रेंच होती हैं और जो हमारी ट्रेंच होती हैं उस से अगर फ्रेंचिस से बाहर निकल के कोई बाहर आता है उसके बीच वाली जो जगह होती है ना उसको हम नो मैंस लैंड बोलते हैं अगर वहाँ पे कोई भी जाता है तो वो सूट कर दिया जाता है या तो इस साइड से या उस साइड से इसलिए उस जगह का नाम नो मैंस लैंड हो गया है तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी और वो हमको नो मैंस लैंड में बुला रहे थे और बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस और बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी किसको बोलते हैं ब्रिटिश के जो सोल्जर्स होते हैं उसको बेसिकली हम टॉमी बोलते हैं जैसे कि जर्मन जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं उनको फ्रिज बोलते हैं वैसे ब्रिटिश सोल्जर्स को हम टॉमी बोलते हैं तो हमको बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस वेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अर्स बैक सेम टू यू फ्रिज सेम टू यू जैसे ही हम बहुत चौंक गए थे हम चौंक के थोड़ा हमने देखा तो देखा कि पीछे से आवाज आ रही थी और हमारे ही कुछ सोल्जर्स कह रहे थे सेम टू यू आपको भी हैप्पी क्रिसमस फ्रिज हैप्पी क्रिसमस आई थॉट डेट वुड बी दैट तो मैंने सोचा ठीक है यही बात ख़त्म हुई वी ऑल डेड हमने कर दिया सब बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन इज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग डोंट सूट लेट सम फिर देखा कि उस दुश्मन की ट्रेंड से कोई ऊपर आया अपने हाथों में सफ़ेद रंग का झंडा लिए था और वहाँ से ऊपर आके बोल ऊपर आया और बोला डोंट सूट लेट्स मतलब गोली मत चलाना बॉयज़ लेट्स uh, का मतलब होता है बॉयज तो गोली मत चलाना जो कि ग्रे कलर का कोट पहनने था वो आदमी वो जो सोल्जर था वो पूरा ग्रे कलर का कोट पहना था ग्रेड कोट पहने थे मतलब ऊपर से उनका पूरा नीचे तक कोट रहता है पैरों तक उनके और वो ग्रे कलर का होता है वो एक उनका ड्रेस समझ लीजिए और वो अपना झंडा लहराते हुए आया और कहा कि गोली मत चलाना किसी ने कोई चिल्ला के बोला कि गोली मत चलाना एंड नो डेड और किसी ने चलाई भी नहीं देन देयर वॉज एनादर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड एनादर कीप योर हैड्स डाउन आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रेक बट इट वॉज नॉट फिर मैंने देखा कि उस ट्रेंचिस से फिर कोई आके एक सोल्जर पैरापेड पर पे आके खड़ा हो गया पैरापेड क्या होता है जब हम जो गड्ढे बनाए जाते हैं यानी जो ट्रेंच होते हैं उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको हम पैरापेट बोलते हैं तो वहाँ एक सोल्जर आ गया उसके बाद फिर एक और आ गया तब मैंने अपने सोल्जर से कहा तो जिम बोलता है कि तब मैंने अपने सोल्जर से कहा कि अपने सर को नीचे रखना हो सकता है ये उनकी चाल हो लेकिन ऐसा नहीं था वन ऑफ द जर्मंस वाज बीइंग अ बॉटल अबव हिज हेड इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी फिर देखा कि एक जर्मन जो एक जर्मन सोल्जर तो ऐसा हो गया था वो एक बॉटल लेके अपने सर के ऊपर ऐसे घुमाने लगा और कहने लगा आज क्रिसमस का दिन है टॉमी यानी ब्रिटिश सोल्जर्स से कहने लगा कि आज तो क्रिसमस का दिन है टॉमी बहुत इन्जॉय कर रहा था वी हैव सनेप्स एंड वी हैव सॉसेस सनेप्स क्या होता है एक ड्रिंक होती है जर्मन की उसका नाम है सनेप्स और वो कह रहा था कि हमारे पास सनेप्स हैं और हमारे पास सॉसेज भी हैं सॉसेज यानी खाने पीने की चीज़ वी मीट यू तो उन्होंने पूछा क्या हम मिल सकते हैं येस yes, तो हमने भी कह दिया हाँ मिल सकते हैं बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ द वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम बस इतना ही कहते वहाँ से तो दर्जनों लोग आने लगे दर्जनों लोग आने लगे नो मैंस लैंड वाली जो जगह थी वहाँ पे आने लगे और बिना कोई राइफल के यानी बिना कोई हथियार के वो ऐसे ही नो मैंस लैंड में आ गए लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप कम ऑन बॉयज वाट आर वी वेटिंग फॉर फिर जो मॉरिस था सोल्जर लिटिल प्राइवेट मॉडल जो था वो सबसे पहले खड़ा हुआ और अपने बॉयज से हमारे बॉयज से कहने लगा कम ऑन बॉयस किस चीज़ का भी इंतजार कर रहे हो एंड देन देर वॉज़ नो स्टॉपिंग देम फिर तो उनको कोई नहीं रोक सका आई वॉज द ऑफिसर जिम कहने लगे कि मैं ऑफिसर था आई शुड हैव स्टॉप देम मुझे वहाँ उनको रोकना था देर एंड देन आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड मैं ऑफिसर था उसके हिसाब से मुझे वहीं उनको रोकना चाहिए था लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेरा मन ही नहीं किया उनको रोकने का ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन एंड अदर ग्रे कोर्ट्स खाकी कोर्स मीटिंग इन द मिडिल और सब लोग अपनी लाइनें क्रॉस कर करके आ रहे थे जो जर्मन की जो लाइन होती है कि वहाँ से अगर क्रॉस करोगे नोमैन no लाइन की जगह तो आप सूट कर दिए जाओगे ऐसी हमारी एक वो रहती है एक बॉर्डर रहता कि वहाँ से क्रॉस नहीं करना है तो सब अपने लाइंस क्रॉस कर कर मिडिल में आ रहे थे नो नोमैन्स लैंड जो जगह थी वहाँ सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे ग्रे कोर्ट्स खाकी कोर्ट्स यानी जर्मन के सोल्जर्स और ब्रिटिश ब्रिटिश सोल्जर्स दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे एंड आई वॉज वन ऑफ देम और उनमें से एक मैं भी था आई वॉज पार्ट ऑफ़ दिस मैं भी इस चीज़ का पार्ट था इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस वैसे तो हमारे बीच लड़ाई चल रही थी युद्ध चल रही थी लेकिन उसी के बीच हम लोग शांति भी बना रहे थे क्रिसमस एक हम क्रिसमस मना रहे थे यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट आउटस्ट्रेच्ड हैंड वॉल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट तो जिम एक्स जो थे वो अपनी वाइफ से कहने लगे तुम सोच भी नहीं सकती हो कोनी कि मैं क्या महसूस कर रहा था उस टाइम जब मैं फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देख रहा था जब उसने अपने हाथ मेरी तरफ़ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हैंस वॉल्फ मतलब उन्होंने अपना नाम बताया और इतनी गर्म जोशी से उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा आई एम फ्रॉम डजर्ट आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा फिर उन्होंने बताया कि मैं डजर्टॉफ से हूँ ये एक जगह का नेम है और मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में सेलो क्या होता है एक वॉलिन की तरह होता है लेकिन उसका साइज बड़ा होता है हैप्पी क्रिसमस फिर उन्होंने फिर उन्होंने मुझे हैप्पी क्रिसमस बोला कैप्टन जिम मैकफोसन आई रिप्लाइड मैंने भी बताया कि मैं कैप्टन जिम मैकफोसन हूँ एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू फिर मैंने उनको हैप्पी क्रिसमस बोला और बताया कि आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द बेस्ट ऑफ इंग्लैंड फिर मैंने बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉरसेट में वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से डॉर सेट ही स्माइल्ड आई नो दिस प्लेस आई नो इट वेरी वेल फिर उन्होंने कहा अच्छा डॉर सेट और मुस्कुरा के कहा कि उस प्लेस को तो उस जगह को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से उस जगह को जानता हूँ वी शेयर बाय रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज फिर हम लोगों ने जो रम थी हमारे पास वो हमने शेयर की एक दूसरे को और उनका जो सॉसेज था खाने पीने का सामान था वो भी हमने शेयर किया एंड वी टॉक्ड कौनी हाउ वी टॉक्ड और फिर हमने बातें की कोनी फिर वो अपनी वाइफ को कह रहा था कि हमने बातें की और हमने कैसे बातें की ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश वो ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे बट इट टर्न आउट डेट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोर सेट लेकिन फिर आगे पता चला कि वो तो कभी डॉर सेट आए भी नहीं थे नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड ना ही वो कभी इंग्लैंड आए थे ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल उन्होंने स्कूल के इंग्लैंड के बारे में जो भी कुछ जाना था वो स्कूल से जाना था एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश और इंग्लिश की बुक पढ़ के जाना था हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी उनका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था एंड हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और उनकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी जो कि थॉमस हार्डी की लिखी हुई थी सो आउट देयर इन नो मैंसलैंड विद टॉक डॉफ बाद एंड गैबरिया लोक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉसेट तो हम वहाँ नो मैंसलैंड में बात सेवा की बात कर रहे थे गैब्रियल ओब की बात कर रहे थे सर्जन ट्रॉय की बात कर रहे थे और डॉल की बात कर रहे थे ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉन्ड जस्ट सिक्स मंथ्स एगो उनकी एक पत्नी थी और एक बच्चा था जो कि छह महीने पहले ही पैदा हुआ था मतलब वो छः महीने का था एज आई लुकड अबाउट मी वर हर्डल्स ऑफ खाकी ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर मोमेंस लैंड स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग जब मैंने अपनी चारों तरफ देखा नो no लैंड में तो हर जगह भीड़ भाड़ थी खाकी और ग्रे की मतलब जर्मन्स की और ब्रिटिश की हर जगह कहीं कोई स्मोकिंग कर रहा था कहीं कोई हंस रहा था कहीं कोई बात कर रहा था कहीं कोई ड्रिंक कर रहा था कहीं कोई खाना खा रहा था हैंस वुल्फ एंड आई सेड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कौनी हैंस वुल्फ ने एंड मैंने क्रिसमस केक जो बचा हुआ था वो हम दोनों ने शेयर किया कोनी ही थाट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड आई एग्रीड और हैंसफुल्व को वो मर्जीपन इतना अच्छा लगा उन्होंने कहा कि ये मैंने अब तक का स्वादिष्ट केक खाया है और मैं उससे सहमत भी था मर्जीपन क्या होता है मर्जीपन वो होता है जैसे केक के ऊपर चीनी एग और एलमंड्स के मतलब अंडे बादाम और चीनी का एक मिश्रण होता है जो एग के ऊपर हम लोग ऐसे सिरप की तरह डालते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं और इसका हम बादाम का हलवा भी बोलते हैं मार्जिपन को वी एग्रीड अबाउट एवरी थिंग एंड ही वॉज माई एनिमी देअर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हम हर बात पे अग्री हो रहे थे हर बात से सहमत हो रहे थे एक दूसरे की जबकि वो मेरा दुश्मन था और ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी कोनी देन सम वन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल फिर क्या हुआ कोई मुझे नहीं पता कौन कहीं से फुटबॉल ले आया ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट ब्रिज आउट इन द मिडल ऑफ मैंस लैंड फिर क्या हुआ जो ग्रेट कोट्स वो लोग पहने हुए थे उन्होंने उसको उतार के गोल पोस्ट बना लिए थे फिर जो नेक्स्ट चीज़ हमको क्या मालूम पड़ी कि टोमी और फ्रिज नो मैं के बीच में एक दूसरे से मैच करेंगे यानी फुटबॉल मैच होगा हैंड्स वुल्फ एंड आई लुकड ऑन एंड चेयर क्लैपिंग ऑफर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अव फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी फिर हैंड्स वुल्फ ने और मैंने उन लोगों को चेयर किया मतलब उनका हौसला बढ़ाया तालियां बजाई और अपने जो पैर हैं वो जमीन में टैप किया मतलब ज़मीन में मारा जिससे कि हमें जो सर्दी लग रही थी जिससे कि हमारी सर्दी दूर हो सके जितना हो सके देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस अवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस फिर मैंने नोटिस किया उसी मोमेंट में मैंने नोटिस किया कि जो हमारी सांसें है, हैं हैस वल्फ की और मेरी वो कहीं जाके हवा में बीच में मिल रही हैं तो मिंगलिंग का क्या मतलब होता है घुलना मिलना ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल तो हैसवल्फ ने भी देखा और कहा उन्होंने मुस्कुराया और बोला जिम मैकफर्सन कुछ देर बाद आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसोल्व दिस वॉर अ फुटबॉल मैच नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंट नो वाइफ बिकम विडोज तो फिर हैंस ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि हम ऐसे इस युद्ध को रिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं मतलब इसका हल यही है कि एक हम फुटबॉल मैच खेल सकते हैं जिससे कि कोई भी इसमें किसी की भी मृत्यु नहीं होगी और कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा और को किसी की भी पत्नियाँ विडो नहीं होंगी यानी विधवा नहीं होंगी आई प्रिफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम लेकिन मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा मैंने उनको बोलाबली वी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली वी लाव एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम फिर मैंने कहा कि हम लोग क्रिकेट चुनते हैं उससे शायद हम लोग जीत जाएं क्योंकि ब्रिटिशर्स अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और फिर हम लोग बहुत हंसने हंसने लगे सब दोनों मिलके बहुत हंसने लगे साथ में और गेम देखने लगे सेट टू कोनी फ्रिज बॉन टू गोल्स टू वन बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कोनी कि फ्रिज जीत गए यानी जर्मन जीत गए उनके दो गोल हुए थे और हमारा वन बट एट हैंड्स वॉक जनरसली सैड अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर लेकिन हैंस वॉक ने बहुत ही सीरियस होकर बोला कि मुझे लगता है कि हमारा जो गोल था वो बहुत वाइड था मतलब जो हमारा गोल करने की चीज़ थी वो बहुत चौड़े में हुई चौड़े में फैली हुई थी सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर ये मुझे लगता है ये सही नहीं था द टाइम केम एंड ऑल टू सून बन द गेम वॉज फिनिस्ड द्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर फिर वो, वो वक्त आया जब टाइम ख़त्म हो गया गेम भी ख़त्म हो गई गेम uh, फिनिश हो गया और जो हमारी स्नेप्स थी ड्रिंक थी वो भी ख़त्म हो गई थी रम भी ख़त्म हो गया था और सॉसेस भी हमारा लगभग लगभग पूरा ख़त्म ही हो गया था और हमको अब ये पता था कि अब यहाँ ख़त्म होगा सब ऑल ओवर आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून डेट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम फिर मैंने हैंस को विश किया कि uh, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से जल्दी मिलो जैसे कि उसका छः महीने का बच्चा था और ये जो हमारा युद्ध है वो जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने सब घर जा सकें आई थिंक डैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड हैंस बोर्ड साइड फिर हैंस बोर्ड ने कहा कि मुझे लगता है कि हर दोनों ही तरफ के जो सैनिक हैं वो यही चाहते हैं कि जल्दी से युद्ध ख़त्म हो और वो जा अपने अपने घर जा सकें टेक केयर जिम मैकफोशन अपना ख्याल रखना जिम मैक्शन आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू फिर उन्होंने बोला मैं ये मोमेंट ये घटना मैं कभी नहीं भूल सकता ना ही तुमको ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट फिर वो उन्होंने मुझे सेल्यूट किया और मेरी तरफ से धीरे धीरे अब दूसरी तरफ जाने लगे और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि उनका मन नहीं था वो बिना मन के जा रहे थे

सब लोग अपने डग आउट्स में चले गए डग हाउट्स क्या होता है जब हम जम जो जब जहाँ लड़ाई होती है तो वहाँ पे लोग ज़मीन में ज़मीन को खोद के एक घर बनाते हैं और ऊपर से उसको ढांक देते हैं किसी चीज़ से उसको कवर कर देते हैं तो उसको डग आउट्स बोलते हैं फिर हमने देखा कि उनकी तरफ उनके डगआउट्स की तरफ से गाने की आवाज़ आ रही है वो कोई गाना गा रहे थे कैरोल गा रहे थे और वो बहुत प्यारा गा रहे थे इट वॉज स्टिल नेट साइलेंट नाइट ये एक सॉन्ग का नाम है स्टिल नाइट साइलेंट नाइट वो गाना गा रहे थे अवर बॉयज गेव दैम अराउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड सफर वॉच्ड फिर यहाँ से भी सब लोग गाने लगे जो हमारे लोग हैं वो भी गाना गाने लगे वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट हमने अपने गाने बदले और उसके बाद हम सब शांत हो गए वी हैड हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव हमने अपना शांति जो शांति वाला समय बिता चुके थे हम और वो बहुत अच्छा टाइम था ऐसा टाइम जिसको हम संजो के रखना चाहते थे ऐसा बोलते हैं ना जब हमारा खजाना है उसको हम बहुत संजोक के रखते हैं बहुत संभाल के रखते हैं ऐसा ही वो टाइम था जिसको हम बहुत संभाल के रखना चाहते थे जब तक हम जिंदा रहें तब तक डियरेस्ट कोनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस बार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि डियरेस्ट कोनी, अगली साल की जो क्रिसमस का टाइम होगा तब तक ये बार कुछ नहीं होगा ये युद्ध ख़त्म हो चुका होगा लेकिन ये जो हमारी मेमोरी है मतलब ये हमारी यादगार जो लम्हा है वो हमेशा याद रहेगा आई नो फ्रॉम ऑल डेट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस मुझे पता है जो भी कुछ आज हुआ था उससे ये पता चलता है कि दोनों दोनों जगह की जो सैनिक हैं वो चाहते हैं शांति मतलब वो शांति चाहते हैं वी सेल बी टुगेदर अगेन सून आई एम से ऑफ इट यूर लविंग जिम फिर उन्होंने कहा, हम जल्द ही साथ होंगे मैं ये तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा प्यारा जिम तो ये था पार्ट सेकंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग